हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेज कुकिंग विद साधना। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही टेम्पटिंग सी, माउथ वाटरिंग रेसिपी, चॉकलेट केक मिल्क शेक। आजकल कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ में इस रेसिपी को शेयर कर दूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये चॉकलेट केक मिल्क शेक रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये कुछ आइटम्स लिए हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मिक्सी का जार, और उसमें मैं डालूँगी हमारे चॉकलेट केक को। तो आप अगर चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट और भी डाल सकते हैं, बट मैं एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं डाल रही हूँ, इतना ही रखूँगी, बस केक ही डालूँगी। और इसके साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक ग्लास मिल्क, और हाँ, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर मैं इसमें दूँगी, तो वो है हमारी स्ट्रॉबेरी बेरी फ्लेवर की आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम है ये, से मैंने डाल दिया है लगभग 2 स्कूप, और ढेर सारे आइस क्यूब्स डालेंगे हम इसमें। उसके बाद में लेड लगा करके कवर करेंगे और इसे शेक कर लेना है, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमें। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक मिल्क शेक बन करके बिल्कुल तैयार है। सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 स्पून रूह अफ़ज़ा, और इसे मैं इसे ग्लास में स्प्रिंकल करूँगी। बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में, और खाने में पीने में ये शेक तो मज़े ही आ जाते हैं। और जो चले इसे मैं आपको फटाफट से सर्व करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना थिक है और कितना अच्छा झागदार है ना ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से सा हमारा शेक बना हुआ है। और अब मैं इसे गार्निश करूँगी, ऊपर से 1 स्कूप आइसक्रीम डालूँगी सबसे पहले, तो वही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम है। चॉकलेट के साथ में स्ट्रॉबेरी बेरी का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉकलेट की जो क्रीम है ना केक की, वो डाल रही हूँ। और ये ऊपर से मैं थोड़ा सा रुआबज़ा और स्प्रिंकल करूँगी, और ये हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट केक मिल्क शेक बन करके बिल्कुल तैयार है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा, और मेरे चैनल वेज कुकिंग विद साधना को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।